हेलो स्टूडेंट, हेलो। आज से हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आज से पार्ट 2 दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने फर्स्ट डे आपको बोल दिया था कि ये चैप्टर में आपको मेनली दो सेल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रिंसिपल क्या है, पर्पस क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, एक पूरा हमने विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब आज से हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसका थोड़ा आइडिया तो आपके पास है, नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी आज मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में दो तीन बेसिक टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो जो आपको नोट्स मिली है उसमें सारे टर्म लिखे हुए हैं। फर्स्ट बेसिक टर्म्स दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट मींस व्हाट? तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, व्हाटएवर, वो दो स्टेज में नॉर्मली आयंस जनरेट करता है, आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। और आपके पास आयंस होने चाहिए बस, थ्रू विच कंडक्शन टेक प्लेस, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो डेफिनेशन ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे इक्विलिब्रियम में भी मैंने आपको लिखाई थी, अ सब्सटेंस आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट प्रोड्यूस आयंस थ्रू विच कंडक्शन टेक प्लेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टेक प्लेस, सच सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, ये सबको पता है। ओके, एक्वस भी आप लिख सकते हो। सेकेंड वर्ड दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड है दैट इज अ प्रोसेस। ओके, अभी प्रोसेस में क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टेक वन वेसल इन विच यू हैव टू टेक अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट, अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस। फॉर एग्जाम्पल मोल्टन NaCl, Na प्लस एन सी एल माइनस। मोल्टन NaCl का मीनिंग होता है लिक्विड NaCl। NaCl जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब भी उसके पास आयंस है, Na प्लस सराउंडेड बाय Cl माइनस, Cl माइनस सराउंडेड बाय Na प्लस, बट बोथ आयन कनेक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड एंड दे विल नॉट सेपरेट। सेपरेशन में नहीं है, फ्री नहीं है, इन शॉर्ट हमें उनको फ्री करना है फॉर कंडक्शन। सो देर आर टू वेज टू फ्री आयंस, वन दैट इज हीटिंग, so you have to heat up to its melting point, so both ion will dissociate, separate not generate. Ion to pehle se hi hai lekin wo free nahi the to humne usko free kar diya, and that is in liquid form and that is molten state. If melting point is high and some other problems arise, then we have another option, you have to dissolve that NaCl in water. So in that case also we have ions. Okay, तो यहां पे मैंने अभी मोल्टन स्टेट कंसीडर किया है। सेकंड थिंग, देन यू हैव टू ऐड टू इलेक्ट्रोड, अगेन एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड। व्हाई एप्रोप्रिएट? बिकॉज हियर आल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्टिव एंड इनर्ट, एंड वी नो एक्टिव इलेक्ट्रोड इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, व्हाइल इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जस्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अदर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हियर we choose inert electrode like steel, platinum, graphite. Okay, then you have to connect both electrode with battery. Yes, a battery. So battery means what? Battery means hamara part 1 electrochemical cell. So actually ye battery ka purpose wahi hai, electrochemical cell wahi battery hai. To yahan pe hum battery use kar rahe hain, aur battery se kya hoga? तो बैटरी से करंट निकलेगा, आपको पता है बैटरी से क्या निकलने वाला है, करंट। पहले मैं बैटरी की थोड़ी बात बता दूं, मिक्स ना हो जाए। बैटरी जो है वो इलेक्ट्रो
केमिकल सेल है, मान लो कि डेनियल सेल है, ओके, उसमें भी रेडॉक्स होते हैं, होता है कि नहीं, वो एसपी रेडॉक्स थे, और वहां जो रेडॉक्स हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए नेगेटिव से, और वो बैटरी में जो ए था वो माइनस था, याद है सबको, बैटरी में एनोड नेगेटिव था और कैथोड था वो पॉजिटिव था, यस, बैटरी की बात होगी, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड से करंट निकलेगा, ओके, नाउ व्हाट हैपन, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको गेन करने के लिए Na+ दौड़ेगा, सो व्हाट हैपन, Na+ गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Na सॉलिड, सो दिस सोडियम मेटल deposited over here, okay, now see the change in oxidation number, here plus 1 and here 0, so decrease in oxidation number, it means reduction occurs, okay, and reduction occurs at this electrode, and we know this electrode is known as cathode, तो ये जो हो गया वो आपका cathode हो गया, और ये जो cathode है वो battery के negative के साथ connect है, therefore it is known as negative, तो इसका meaning हुआ battery का cathode positive था, battery का cathode positive है, और battery मतलब electrochemical cell, yes, electrochemical का cathode positive है, और electrolytic का जो cathode है वो negative है, वो clear होना चाहिए, बाद में to balance ये जो Cl- है वो यहाँ पे जाएगा, और Cl- undergoes oxidation, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे एंड Cl2 गैस, आप Cl2, और ये Cl2 यहां से बाहर आ जाएगा, ओके, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड हो गया, और एनोड है वो पॉजिटिव है, तो अभी ये क्लियर होना चाहिए, सबके दिमाग में दो बातें क्लियर होनी चाहिए, एनोड कहते हो पॉजिटिव नेगेशन नहीं, आप पर्टिकुलर किस सेल की बात कर रहे हैं पहले वो बताओ, मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है कहीं पे, तो वहां पे एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, और जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं, इट मींस दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पे एनोड कैथोड है, और याद रखना एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, एंड दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, एंड बोथ रिएक्शन अकर्स इन दिस सेल, और ये रेडॉक्स हो जाएगा एसपी रेडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स, एसपी रेडॉक्स है, सर एसपी क्यों, ये बैटरी यहां से निकाल दो तो रिएक्शन नहीं होंगे, बैटरी आप निकाल दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकाल दो आप, तो रिएक्शन नहीं होंगे, ये भी पता होना चाहिए, तो रेडॉक्स कब होगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ओके, तब ये रिएक्शन होगा, हाँ बैटरी में जो रेडॉक्स हुई इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आए, क्या अंदर स्टोरेज है इलेक्ट्रॉन का, नहीं, इसके अंदर भी रेडॉक्स हुए, वो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, सॉल्ट ब्रिज वाला कौन से, वो पूरा हमने पढ़ लिया है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है उसमें हम नहीं जा रहे, उसका हम आउटपुट ले रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पर्पस क्या है, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको करंट देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन का यूज किसको करना है, वो तो हमें करना है, आपको ऐसा लगे कि सर ये बैटरी है, बैटरी है, बैटरी में से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बैटरी में से करंट बाहर आए, व्हाट एवर यू से, ओके, अब ये जो करंट है इलेक्ट्रॉन है उसका यूज किसको करना है, वो तो हमें करना है, आपको लगता है कि सर मुझे लाइट एनर्जी चाहिए, तो बीच में फिलिप्स का बल्ब रखो, किसने ना बोला, बल्ब ऑन हो जाएगा, आपको हीट एनर्जी चाहिए तो बीच में हीटर रखो ना, कौन ना बोल रहा है, आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए बीच में फैन रखो ना, कौन ना बोल रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा लगे कि नहीं सर मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए बैटरी के करंट से, वो भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बैटरी के जो दो एंड है उसके बीच में ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इज इट क्लियर, तो ए परफेक्ट होना चाहिए आपका, मेन चीज है ए कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कौन किस पे डिपेंड है मुझे बताओ, कौन किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रोलिटिक ए पार्ट इस पे डिपेंड है, ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल है वो इंडिपेंडेंट है, याद रखना ये जो फैन है, फैन कब ऑन होता है,
हाइट होती है तब, लाइट एनर्जी होती है तब, करंट होता है तब। तो फैन करंट पे डिपेंड है, करंट फैन पे डिपेंड नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो इस बेस पे ये आपको इलेक्ट्रो एयर प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एंड इन इलेक्ट्रोलिसिस वी हैव टू प्रोडक्ट, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट, वी हैव टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सी स्कीम चलेगी? बाय वन गेट वन फ्री। सो वन प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन दैट अवेलेबल एट एनोड, अनदर प्रोडक्ट सोडियम दैट इज ऑब्टेन एट कैथोड। आपको एक साथ दो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। आप देखना समटाइम्स यू विल हैव थ्री प्रोडक्ट ऑल्सो, वन मोर प्रोडक्ट दैट इज ए सोल्यूशन, वो भी मिलेगी आपको। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस। एंड थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेप दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस सेल है इन विच इलेक्ट्रोलिसिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट। हम बोल सकते हैं कि नहीं? ओके, तो मैंने जो आपको पैम्पलेट दिया है, पीडीएफ जो भेजी है, उसमें पहले तीन वर्ड आपको क्लियर करने हैं। वन दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, एंड थर्ड दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, इसके बाद की पॉइंट्स। की पॉइंट्स जो है वो मैंने आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल के भी बताए थे, वैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के की पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल, चलो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रिंसिपल क्या था? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर ऐसा हुआ था। अब इसमें से इलेक्ट्रिकल बाहर आई तो इसमें से रेडॉक्स हुआ, तो इसका प्रिंसिपल उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट इनटू केमिकल। तो ये क्लियर होना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल। ओके, यहां पे जो रेडॉक्स होगा दैट इज नॉन एसपी, नॉन एसपी रेडॉक्स। रेडॉक्स तो है, मैंने पहले ही बोल दिया था रेडॉक्स के दो टाइप होते हैं रिगार्डिंग नेचर, एसपी एंड नॉन एसपी। तो यहां जो रेडॉक्स होने वाला है वो नॉन एसपी है। और नॉन एसपी रेडॉक्स होगा तो डेल्टा जी क्या होगा उसका? ग्रेटर देन जीरो, एंड फ्री एनर्जी ऑलवेज increases according to thermodynamics, second law of thermodynamics. उसके बाद purpose क्या है? Electrochemical आप क्यों बनाते हो? Battery आप क्यों चाहते हो? Why battery required? To get electricity, ये आपकी requirement है। So why electrolytic cell form? Electrolytic cell company वाले क्यों बनाते हैं? उनको क्यों, क्या रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, तो पता होना चाहिए। यहां पे हमारा जो पर्पस है टू गेट प्रोडक्ट, हमारा पर्पस पता होना चाहिए टू गेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है और क्या है? विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम यूज कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? करंट से भी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ओके, सो टू गेट प्रोडक्ट। सेकेंड पर्पस टू प्योरिफाई some metals, metallurgy, पूरा चैप्टर शायद आपने पढ़ लिया होगा। ओके, तो उसमें प्योरिफिकेशन स्टेप आता है कि नहीं? बहुत सारी मेथड है प्योरिफिकेशन की, बहुत सारी मेथड्स है, इलेक्ट्रोलिसिस वन ऑफ देम। तो इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज वन ऑफ द मेथड टू प्योरिफाई सम मेटल, तो वहां पे भी हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हैं। सो दूसरा एक पर्पज होता है टू प्योरिफाई सम मेटल्स। ओके, और एक पर्पज और है वो भी आपने सुना है, दैट इज इलेक्ट्रोब्लेटिंग, यस, टू अवॉइड कोरोजन, टू प्रिवेंट कोरोजन। आपको पता है एक लेयर बन जाता है पर्टिकुलर आयरन के ऊपर, हम नॉर्मली कंपनी वाले देते हैं जिंक का लेयर, एंड दैट आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो वहां पे इलेक्ट्रोब्लेटिंग होता है, ये जो आयरन का रोड होता है उसके ऊपर जिंक का प्लेटिंग हो जाता है, जिंक का लेयर बन जाता है। फैब्रिक से चिपका देने प्रोसेस से होता है, दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस। हम देखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं सारे टॉपिक्स आपके लिए करवा दूंगा। लेकिन पर्पस क्या है, ये जो पढ़ते हैं उसका पर्पस क्या है वो पहले क्लियर होना चाहिए, दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस एनोड कैथोड के बारे में शायद मेंशन नहीं किया है आपके पीडीएफ में, ऐड कर देना। हियर एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, ये भी क्लियर होना चाहिए। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, दिस पार्ट। ओके, सॉरी दिस वन। उसके बाद नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर, ये भी आप ऐड कर सकते हो, नो सॉल्ट
ब्रिज रिक्वायर्ड. सॉल्ट ब्रिज होता ही नहीं इसमें, नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड. ओके, और बाद में एक दूसरा पॉइंट पीडीएफ में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अभी जो मैंने बताया हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये भी क्लियर होना चाहिए. और विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट. सो इलेक्ट्रोलिटिक दैट इज डिपेंडेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल दैट इज इंडिपेंडेंट. तो इतने पॉइंट्स पहले आपके परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप पार्ट टू में एंट्री ले सकते हो. जो पार्ट आप पढ़ रहे हो उसका पर्पस ही पता नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं. जैसे पार्ट वन का पर्पस था टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी वो किस पे डिपेंड है, दैट इज सेल्फ पोटेंशियल. और इसीलिए हमने पार्ट वन जब पढ़ा तो कौन सा पैरामीटर आपके दिलो दिमाग में छा गया, दैट इज सेल्फ पोटेंशियल. नोट डाउन किया होगा आपने, पहले अपने स्टैंडर्ड सेल बनाया था उसका सेल्फ पोटेंशियल ई नॉट सेल था सी माइनस है, बाद में नॉन स्टैंडर्ड बना दिया उसका सेल्फ पोटेंशियल नॉन्स्ट इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन ए लॉग, उसके बाद वेट करते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो सारी फॉर्मूलाज जो थी दैट इज टू फाइंड आउट सेल्फ पोटेंशियल. और बाद में सेल्फ पोटेंशियल की एप्लीकेशन भी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड हम कर सकते हैं, केसी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा जी का रिलेशन, ये सब पढ़ लिया हमने ऑल पॉइंट्स. तो पार्ट वन में इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेल्फ पोटेंशियल था, फिर वो इलेक्ट्रोड का हो या सेल का हो, और इसी पूरा पार्ट वन जो था उसके अंदर सेल्फ पोटेंशियल सेल्फ पोटेंशियल सेल्फ को जहां देखो सेल्फ पोटेंशियल. ये पार्ट टू है, ये पार्ट टू है और इसका पर्पज ये है. और ये पर्पज के बेस पे आप देखना पार्ट टू जब आप पढ़ोगे तो आपके दिलो दिमाग में एक ही टर्म छा जाएगा, हाउ टू गेट प्रोडक्ट, हाउ टू गेट प्रोडक्ट बाय विच रिएक्शंस, कौन से रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगी, दो प्रोडक्ट मिल रही है, तीन मिल रही है, चार मिल रही है, क्या कितनी प्रोडक्ट मिल रही है, सबका प्रपोर्शन क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलेगी. ओके, और इसीलिए पर्पज सबको पहले पता होना चाहिए. तो ये बेस था. आज मैं एक और एक्स्ट्रा, एक वाटर जो होता है सबको पता है वाटर, प्योर वाटर, उसमें से दो गैस मिलते हैं O2 एंड H2 थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस. तो कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, तो एक बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस है वो आपको पता होना चाहिए. तो आज मैं वो भी बता देता हूँ साथ में. तो टेक्स्ट पैम्फलेट जो दिया है उसमें मैंने मेंशन किया ही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. So title is electrolysis. Electrolysis of water. Yes. अब equilibrium chapter से आपको पता है water 25 पे है, suppose 25 degree पे है, और ये जो water है that is pure water. Okay? And we know at 25 pure water having H plus is equal to OH minus is equal to 10 raised to minus 7 molarity. Molarity means mole per liter. Molarity का meaning होता है 10 raised to minus 7 moles per liter. मतलब 25 पे पानी में 25 degree की बात कर रहा हूँ, normal temperature 25 पे जो water आपके पास है उसमें दो ions होते हैं H plus और OH minus, और per liter कितने होंगे 10 raised to minus 7, and this value is very very less. Okay, per liter जो आयन मिलने चाहिए वो बहुत कम है. Therefore, we can say pure water does not conduct electricity. Therefore, pure water is a bad conductor. ऐसा normally बोलते हैं. अब क्या करेंगे? So to increase conductivity of water, we have to add few drops of acid during electrolysis of water. ये भी आपको पता है. तो अब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एसिड डालते हैं थोड़ा. यस, ये भी क्लियर होना चाहिए. ओके, अब वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो डायग्राम तो सिंपल ही है, ऐसे डायग्राम आप बना सकते हो. वैसे उसमें आपने वाटर ले लिया 25 डिग्री पे, एट प्लस और एच माइनस, इनिशियली 10 रेज़ टू माइनस 7 था पर लीटर, बाद में एसिड डाल दिया तो एच प्लस ओएच माइनस का एच प्लस का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा हो गया. इसके बाद तो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड आपको पता है, ये बैटरी. ओके, एनोड पॉजिटिव कैथोड
नेगेटिव सब क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। तो सबसे पहले उसमें रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे दो पार्ट में लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैथोड वाला लिखेंगे रिडक्शन, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट कौन होगा, एच प्लस। ओके तो यहाँ पे रिडक्शन लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आईयूपीएसी वालों ने रिडक्शन को प्रायोरिटी ज्यादा दी है। ओके पूरा चैप्टर रिडक्शन के फॉर्म में आ गया है। चलो रिडक्शन मतलब एच प्लस, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव इधर जाने वाला है पॉजिटिव इधर जाएगा। ओके सो एक कैथोड होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिएक्शन होगा एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ एच टू गैस। तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर आएगा वो क्लियर होगा, दैट इज एच टू गैस। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, एच प्लस ही करता है, मतलब रिएक्शन ही होने वाला है। अब टेक्स्ट बुक में थोड़ा, टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में है सब। यहाँ पे पॉइंट है बट H प्लस ऑप्टेन और प्रोड्यूस, H प्लस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसोसिएशन, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ H2O। H प्लस आया कहाँ से, डिसोसिएशन ऑफ H2O से आया। तो वो रिएक्शन भी आपको यहाँ पे लिखना है, H2O gives H प्लस एंड OH माइनस, और बाद में ही दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2O प्लस OH माइनस। डिफ्रैक्शन में है तो इसको दो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, सो फाइनल रिएक्शन लाइक दिस, दो से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिडक्शन, this reduction in future to solve numerical, okay? तो ये reaction आपको in future याद रखना है, 2H2O plus 2 electron gives H2 plus 2OH minus, तो पूरा reduction का detail है, okay? बाद में oxidation, oxidation कहाँ पे होगा? Anode पे होगा, तो anode पे कौन जाएगा? OH minus, तो OH minus यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे actually 4OH minus के base पर reaction लिखते हैं, 4OH minus gives O2 plus 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट यहां से मिलने वाली है, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, सेम क्वेश्चन बट OH माइनस प्रोड्यूस फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ये फिक्स लाइन हो गई आपकी। तो फिर से लिखेंगे हम H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस। अब यहां पे OH माइनस को कैंसिल करना है, जैसे यहां पे H प्लस को निकालना था, यहाँ पे 4OH माइनस है, तो 4H2O 4H प्लस 4OH माइनस इसको ऐड कर दो, ठीक है। ओके एंड फाइनल रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे देखो 4H2O है, इसमें से दो माइनस हो जाएंगे, इधर आएंगे दो, सो 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो जाएगा। अब रेडॉक्स हमने जब 11 में पढ़ा था तो आपको पता है जब दोनों रिएक्शन आप साथ में लिखते तो बात अच्छी है, लेकिन जब दोनों का फाइनल एडिशन होता था रेडॉक्स में, तब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते थे। तो यहाँ पे एक इश्यू है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पे देखो चार है, तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो या तो इसको दो से डिवाइड कर दो। तो अभी मैं इसको दो से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब डिवाइड बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो फाइनल रिएक्शन आपका यह होगा H2O गिव्स हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये याद रखना है, क्लियर? तो ये दो रिएक्शन सबके दिमाग में परफेक्ट होने चाहिए, ये ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला, और दोनों में प्रोडक्ट कौन है वो पहले हाईलाइट करो, प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, दोनों प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, सो O2 अवेलेबल फ्रॉम एनोड, NH2 from cathode, ये भी क्लियर होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए दोनों का मोल प्रपोर्शन क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर बार मैं रिपीट करूंगा ये पॉइंट को, क्योंकि पर्पस हमारा प्रोडक्ट है आपको पता है, लेकिन दो प्रोडक्ट के बीच में प्रपोर्शन क्या है वो भी क्लियर होना है। तो AC आप लिख रहा हूँ, ओके, A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड, कैनोड पे कौन सी प्रोडक्ट, ऑक्सीजन,
और कैथोड पे हाइड्रोजन। अब इन दोनों का प्रोपोर्शन लिखना है। जब प्रोपोर्शन लिखते हो तब एक बात याद रख लेना, दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, देन एंड देन यू कैन टेक प्रोपोर्शन। तो यहां पे देखो दो इलेक्ट्रॉन है, एक बार चेक कर लेना, यहां भी देख चेक कर लेना। यस, अब दोनों का प्रोपोर्शन देखो, O2.5 है तो H2 1 है, मतलब O2 की कंपेयर में हाइड्रोजन के मोल डबल है। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, 1:2, और ये प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, मोल प्रोपोर्शन। और स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता है आपको, एक प्रोडक्ट के मोल आपके पास है तो दूसरे प्रोडक्ट के मोल आप गेन कर सकते हो आराम से। फॉर एग्जाम्पल 500 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, डबल, दैट इज 1000, इन सिंपल, क्योंकि प्रोपोर्शन फिक्स हो गया। तो अभी से ब्लड में डाल दो, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो O2 की कंपेयर में H2 के मोल डबल होते हैं, मोल डबल, यस मोल डबल, मास नहीं, मोल डबल। सर मास दिया है तो मास दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर दो, इश्यू है। सर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मोल में, क्योंकि मोल प्रोपोर्शन और वॉल्यूम प्रोपोर्शन दैट इज सेम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज मैंने एक इलेक्ट्रोलिसिस आपको बढ़ा दिया है, सारे रिएक्शन ऐसे टिपिकल नहीं होंगे, टेंशन मत लेना, ओके। लेकिन रिएक्शन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं प्रोडक्ट कैसे मिलेगी वो इस पर डिपेंड है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी काम करना, मतलब रिलेशन डेवलप करना है और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल बहुत ईजी इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मिलने वाली है उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे तीन फैक्टर हैं, और ये तीनों फैक्टर हमें 1 by 1 पढ़ने हैं सीक्वेंस में, और एक बार ये तीनों फैक्टर पढ़ लिए आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी वेरी मच।